स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर। फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं बहुत मज़ेदार एक टेस्टी डिश बनाने जा रही हूँ, तो चलिए आप लोग मेरे साथ मेरे किचन पे। आज मैं बनाऊंगी चाट कटोरी, तो इसलिए मैंने मैदे का एक डो बना लिया है और इसको सेट होने के लिए मैं 20 मिनट के लिए ऐसे ढक के रख दूंगी। 20 मिनट के बाद मैंने इसको बेल के, जैसे रोटी या पूरी बनाते हैं वैसे बेल के, मैं इसको फोक से प्रिक कर दूंगी। ये टूथपिक से भी कर सकते हो, उससे भी होगा। अब ऑयल गरम हो गया है, अब मैं क्या करूंगी, एक कटोरी लेके उसमें थोड़ा ऑयल लगाना पड़ेगा। अच्छी तरह से इसको ऑयल लगा के अब इसको मैं अच्छी तरह से कटोरी के साथ ये सेट कर लूंगी, जैसे कटोरी का शेप आ जाए। थोड़ा टाइम लगेगा ऐसे करने में, आप थोड़ा टाइम देके मैं ऐसे कर रही हूँ। ऑयल गरम हो चुका है, मैं ये कटोरी के साथ ही इसको ऑयल में डिप कर दिया है। अब इसको मैं अच्छी तरह से फ्राई करूँगी। ये अपने आप कटोरी निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसका दोनों साइड में बहुत अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। अब दोनों साइड अच्छी तरह से फ्राई करना है। अब ये देखिए मैंने पलट दिया है, तो दोनों साइड अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा। फ्राई होने के बाद इसको ऑयल से निकल लेना है। अब कटोरी को फिलिंग के लिए मैंने काबुली चना बॉईल करके और आलू, बॉईल हुआ आलू ऐसे कट कर लिया, और बनाना लिया है और एप्पल लिया है, एप्पल को भी छोटा छोटा पीस में कट कर लिया है, और लिया है मिर्ची, प्याज चॉप किया हुआ, और नींबू, धनिया पत्ता। और मैंने लिया है खट्टा मीठा चटनी, इमली का, दही फेट लिया है, हरी चटनी और सेव, और ब्लैक सॉल्ट, ब्लैक पेपर और चाट मसाला। अब मैं कटोरी को फिल करूंगी, इसके लिए एक थोड़ा जो बड़ा सा बाउल ले लिया है उसमें मैं एक एक करके काबुली चना, आलू, उबला हुआ आलू, केला, एप्पल और हरी मिर्च, जैसे तीखा आप लोग खाते हो वैसे डाल दीजिएगा, और धनिया पत्ता, कटा हुआ प्याज, ये सब मैं एक एक करके मिक्स करते जाऊंगी। इसमें नींबू मिक्स कर रही हूँ, ब्लैक सॉल्ट दे रही हूँ, उसके बाद मैं दूंगी ब्लैक पेपर और चाट मसाला। अब इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। ये मैं मिक्स कर रही हूँ, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आप दोनों कटोरी में मैं इससे फिल करूंगी, तो मैं ये दे रही हूँ कटोरी के अंदर। अब इसको फिल करके मैं इसके ऊपर से प्याज डाल रही हूँ,
मिर्च, हरी चटनी, अब डालूंगी दही, खट्टा मीठा चटनी, ये इमली का है। अब नेक्स्ट डालूंगी दही, फिर सेव डाल दूंगी, और ऊपर से थोड़ा सा धनिया पत्ता, और चटपटा बनाने के लिए थोड़ा ब्लैक पेपर, चाट मसाला और ब्लैक सॉल्ट मैंने डाल दिया है। ये देखिए मेरा चाट कटोरी तैयार है। तो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे और एक वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।